हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। उदस हेल्थ केयर में हमारी कोशिश होती है कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ विशेष टिप्स आपके साथ शेयर कर सकें, जिससे कि आप अपनी हेल्थ की बेहतर देखभाल कर सकें। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहे हैं जिससे कि आप अपने ऑनलाइन हमारे साथ जुड़कर अपने हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि काफ़ी लंबे समय तक आपके बॉडी में सब क्लिनिकली प्रेजेंट होती हैं, यानी कि उनके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, और काफ़ी लेट स्टेज में जब वो प्रेजेंट होती हैं तो उनको मैनेज करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस को कैसे आइडेंटिफाई करें, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, कुछ फैमिली हिस्ट्री में कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं, कुछ आपके डाइटरी रूटीन में कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि आपको इन प्रॉब्लम्स के लिए ज़्यादा प्रोन बनाते हैं, तो उसकी जानकारी लेकर आप अपने हेल्थ की बेहतर देखभाल कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी जिसके साथ आप ऑनलाइन हमसे जुड़ सकते हैं और अपने हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम्स जिनके बारे में बहुत सारे सवाल महिलाओं के होते हैं, उनके बारे में आपको कुछ विशेष जानकारी देना चाहती हूँ, उनके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में कैसे आप अपने फूड आइटम्स को मैनेज करके बिना दवा के कई परेशानियों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो आज हम बात करेंगे कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम्स के बारे में, जैसे कि पपाया, कोकोनट, केसर, ड्राई फ्रूट्स या इसी तरीके के कुछ फूड आइटम्स जिनके बारे में बहुत बार सवाल महिलाएं पूछती हैं कि प्रेगनेंसी में हम ये खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। विशेषकर जो सवाल आता है वो आता है पपाया के बारे में, पपाया प्रेगनेंसी में खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। पपाया एक ऐसा फूड है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में या जो जनरल पॉपुलेशन में पपाया बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। इसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है, और प्रेगनेंसी में अगर पपाया खाया जाता है, स्पेशली अगर रॉ पपाया खाया जाता है और ज़्यादा क्वांटिटी में खाया जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी माने 1 या 2 kg अगर पपाया आप खा रहे हैं, तो उस केसेस में कभी कभी प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि रॉ पपाया में एक एंजाइम होता है जिसको कि पैपेन कहा जाता है, जो कि प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल माना जाता है। हालांकि कोई भी अच्छी वेल ग्रोइंग प्रेगनेंसी जो है वो इस तरीके के आइटम से जनरली अबॉर्ट नहीं होती है, और जो कई बार लोगों के दिमाग में एक मिथ होता है कि कुछ गर्म खाने से प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है, वो ज़्यादातर वही प्रेगनेंसी होती हैं जो कि पहले से ही कॉम्प्रोमाइज्ड होती हैं और वो अदरवाइज भी टर्मिनेट होने की तरफ ही जा रही हैं। तो इसलिए कोई भी प्रेगनेंसी ज़्यादातर किसी फूड आइटम की वजह से ख़राब हो जाए ऐसा बहुत ही अनलाइकली होता है। तो इसलिए पपाया अगर अच्छे से पका हुआ पपाया है और आप लिमिटेड अमाउंट में खा रहे हैं, माने 100 या 200 grams पपाया आप खा रहे हैं, तो उससे कोई नुकसान होने के चांसेस नहीं होते हैं। दूसरे नंबर पर सवाल होता है कोकोनट वाटर, क्या कोकोनट वाटर अच्छा होता है, कोकोनट वाटर हम पी सकते हैं, सुबह खाली पेट कोकोनट वाटर पी सकते हैं क्या? कोकोनट वाटर बहुत अच्छा होता है, एक फ्रेश हेल्दी ड्रिंक होता है, इसमें मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है, और एक ये लो कैलोरी ड्रिंक होता है। लेकिन कोकोनट वाटर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, पर कोकोनट कॉस्ट करीबन 50 या 60 rupees आमतौर पर होती है, तो हर किसी के लिए पर डे एक कोकोनट अफोर्ड करना अगर पॉसिबल नहीं है तो उसके आप चीपर ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। कोकोनट वाटर को आप सिंपल लेमन वाटर से रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर आपको कैलोरीज कम रखनी है तो आप शुगर मत ऐड करिए, तो आप कोकोनट वाटर को इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं देन इट इज़ वेरी गुड, आप कोकोनट वाटर लीजिए, पर अगर आपको लगे कि कोकोनट वाटर आपकी पॉकेट पे एक्स्ट्रा लोड डाल रहा है तो आप उसको अवॉइड करके कुछ दूसरे ऑप्शन भी ले सकते हैं। तीसरा सवाल आता है ड्राई फ्रूट्स के बारे में, ड्राई फ्रूट्स हम ले सकते हैं क्या, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए? ड्राई फ्रूट्स आप डेफिनेटली ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटीन्स के, विटामिन्स और मिनरल्स के, तो ऐसे केस में ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए आप उसको सोक कर सकते हैं, एक कटोरी पानी में आप ड्राई फ्रूट्स को ओवरनाइट सोक कर सकते हैं 6 से 7 घंटे, उसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स को बहुत अच्छे से चबा कर ले सकते हैं, या आप उसे मिक्सी में ग्राइंड करके भी ले सकते हैं जिससे कि उसकी डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी रहे। ड्राई फ्रूट्स में स्पेशली वॉलनट्स और आलमंड्स ऐसे होते हैं जो कि अच्छी तरह से रिकमेंडेड होते हैं। कैश्यूज़ को हाई कैलोरी होने की वजह से और सैचुरेटेड फैट होने की वजह से ओबीज और ओवरवेट पेशेंट पे अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा कोई भी सीजनल फ्रूट जो आपको सूट कर रहा है वो आप ले सकते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट्स जो महिलाओं के दिमाग में होते हैं कि किस टाइम कोई फूड खाना है, कैसे खाना है, उसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कोई भी फूड आइटम जो आपकी बॉडी को सूट कर रहा है आप ले सकते हैं।
सीजनल फ्रूट्स जो कि आपके यहाँ फ्रेशली अवेलेबल हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बजाय कि ऐसे फ्रूट्स आप कंज्यूम करें जो कि कहीं से इम्पोर्ट किए जा रहे हैं। विशेषकर कीवी फ्रूट आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि कीवी फ्रूट से बहुत फ़ायदे होते हैं, लेकिन कीवी फ्रूट हमारे यहाँ ग्रो नहीं होता है। कीवी फ्रूट को हम इम्पोर्ट करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी फ्रूट के जो एंजाइम्स और विटामिन होते हैं वो डेफिनेटली डिग्रेड होते हैं। तो इसलिए अपने यहाँ का जो एक बनाना है दैट वुड बी बेटर देन अ कीवी फ्रूट। तो इसलिए आप जो फ्रेश और लोकली अवेलेबल फ्रूट्स हैं उनको आप कंज्यूम करिए। आजकल हमारी गवर्नमेंट मिलेट्स पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, मिलेट्स बहुत अच्छे सोर्स हैं विटामिन्स और मिनरल्स के, तो लोकली ग्रोन मिलेट्स को भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। अलग अलग तरीक़ों से उसको कुक कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से उनको बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत बार महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो ऐसे केसेस में हाई फाइबर डाइट लेना बहुत बेहतरीन होता है। इसमें आप फ्रूट्स स्पेशली एप्पल या पपाया जैसे फ्रूट्स आप ले सकते हैं, सैलड्स ले सकते हैं, क्यूकम्बर और गाजर जैसे सैलड्स आप ले सकते हैं जो कि आपके मोशन को क्लियर करने में आपकी हेल्प कर सकता है। जिन महिलाओं को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उन्हें सिट्रस फ्रूट से परहेज़ रखना चाहिए, यानी कि उन्हें नींबू संतरा इस तरीके के फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए, खट्टे फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए। बाकी बनाना ऐसे केसेस में बहुत अच्छी हेल्प करता है। तो आप अपने जो आपका बॉडी का टाइप है उसके हिसाब से आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर फूड आइटम आपको सूट कर रहा है। कुछ लोग किसी कुछ पर्टिकुलर फूड्स के लिए एलर्जिक होते हैं, तो अगर आप एलर्जिक हैं तो ऐसे फूड आइटम्स को आपको अवॉइड करना है। आपको पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर फूड आइटम से आपको दिक्कत हो रही है, तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो प्रेगनेंसी एक बहुत ही नॉर्मल कंडीशन है और आमतौर पर किसी पर्टिकुलर फूड आइटम से अनलेस आप उससे एलर्जिक हैं कोई प्रेगनेंसी खराब नहीं होती, टर्मिनेट नहीं होती, अनलेस की प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है। तो इसलिए फूड आइटम्स आप अपने डाइट के हिसाब से, अपने बॉडी टाइप के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका वजन ओवरवेट या ओबीस कैटेगरी में आ रहा है तो डेफिनेटली आपको हाई कैलोरी फूड आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए और साथ में कुछ भी वॉक या एक्सरसाइज को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।